जैसे कोई थॉट हो रहा है ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल होगी, मतलब कोई भी थॉट आता है दिमाग में तो चलता रहता कम नहीं होता इस thought is not bad, to think is not bad because think is a quality of life. अगर आप इच्छा नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? लोग कहते हैं इच्छा करना छोड़ दो, इच्छा ना करना भी एक इच्छा है, इसलिए इच्छा तो कभी आप छोड़ सकते नहीं. नाउ क्या ये इच्छा जो मैं सोच रही हूं या थॉट जो है क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है? सोचने में भी दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है सोचना और एक पार्ट को कहते हैं मनन करना. सोचना क्या होता है, आप जो कह रही हो एक्चुअली आप मनन करना शुरू कर देती हो. तो इंटेलिजेंस को यूज करिए, क्या इस ये जो मेरा थॉट आया है क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है? अगर आप देखते हैं कि बेनिफिशियल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, उसी टाइम उसको ड्रॉप करना चाहिए, फिर अनदर थॉट. लोहा लोहे को काटता है, कांच कांच को काटता है, एक थॉट थॉट को काटता है. तो जैसे ही थॉट आए जो आपको लगता है कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, इमीडिएटली आप उसको हटा नहीं सकते क्योंकि दूसरा थॉट उसी जगह आएगा. नाउ स्टार्ट कंट्रोलिंग योर थॉट्स बाय योर इंटेलिजेंस, कि आई वॉन्ट टू थिंक ऑन दिस. अभी क्या हो रहा है कि आपका माइंड कहता है ये सोच नहीं, अब इंटेलिजेंस को बोलना चाहिए कि क्या सोच, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो थॉट से थॉट कटेगा, आप थॉट से नहीं काटोगी तो वो थॉट अपने आप मनन बन जाएगा, आप मेडिटेट करना शुरू कर दोगी और फिर ऐसा चले जाओगी आप सोचोगे अरे मैं क्या सोच रही थी, कहां से कहां पहुंच गई, ये तो दिस विल नॉट हेल्प. एंड द बेस्ट थिंग, दैट्स व्हाई देयर इज अ थिंग कॉल्ड मंत्र. मंत्र दो शब्दों से बना है, मन और त्रा. मन त्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे उसको क्या कहते हैं, मंत्र कहते हैं. दैट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ मंत्र. सो आई कैन गिव यू अ मंत्र विच इज देयर इन दिस बुक ऑल्सो विच हैज बीन स्टेटेड फॉर दिस एज. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. उसके साथ एक ही करिए, मन में मत करना क्योंकि प्रॉब्लम किसको है, मन को. उसका उच्चारण करिएगा और ध्यान से सुनिएगा. मन जो है ना मुंह और कान के बीच में है, जोड़ दीजिए इसको, मन कहीं नहीं भागेगा. इनको खोल दीजिए, मन ट्राई कर लो, यू हैव टू ट्राई. जब भी ऐसा आपके साथ हो, किसी के साथ भी हो, क्लैरिटी नहीं आ रही, कंफ्यूजन स्टेज में हो, चले जाओ थोड़े से कहीं 5-7 मिनट, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. लोग बहुत आवाजें आ रही है, कान में उंगली लगा लेना, ऐसा लगेगा कि आपने ईयरफोन लगा रखा है, स्वयं का उंगली अपने कान में, एंड चांट दिस मंत्र एंड यू सी द इफेक्ट. चिंतन करना जरूरी है, चिंतन करना भी जरूरी है. मैं मना थोड़ी कर रहा, अगर लगता है कि थॉट जो है, जो चिंतन है वो सही नहीं है तो उसको ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, तो बेसिकली नकारात्मक को छोड़िए, सकारात्मक को अपनाइए. चिंतन तो करेंगे ही क्योंकि चिंतन करे, चिंतन किससे उदय होता है, इच्छा से. इच्छा कब खत्म, देखिए डॉक्टर को भी कई बार होता है ना, लोग वो डॉक्टर कहता है इसने जीने की इच्छा खत्म कर दी, अगर इसमें जीने की इच्छा आ जाए तो बच जाएगा, मैं बहुत जगह सुना. सो इच्छा इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ. भगवान ने भी गीता के अंदर अंत में कहा है, सब बताने के बाद, यत इच्छे सी तथा करो, अब अर्जुन तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर. इच्छा का मना करेगा, इच्छा तो लाइफ का प्रिंसिपल है, परंतु ये इच्छा करके और फिर चिंतन करना, सोचना और फिर उसके बाद चिंतन करना, मनन करना, उस पर करो ना जिससे फायदा हो, लाभ हो, इटर्नल लाभ हो. शॉर्ट टर्म लाभ होता है एक, और एक इटर्नल लाभ होता है. शॉर्ट टर्म लाभ से क्या फायदा, जो आएगा और जाएगा. लेट्स बी इंटेलिजेंट इनफ, हमारे को बुद्धि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिली है, ये सब इसमें है प्रभु जी. कि आर वी लीडिंग अ लाइफ ऑफ एन एनिमल और आर वी लीडिंग अ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन, क्या हम मनुष्य हैं या हम द्विपद पशु हैं, दो पैरों के पशु, चार पैरों के भी होते हैं और दो पैरों के भी है,
वैदिक स्क्रिप्चर्स बोलते हैं द्विपद पशु, दो पैरों का पशु, जो के जीवन का लक्ष्य नहीं जानता वो दो पैरों का पशु है। तो पशु क्यों रहते हो, मनुष्य बनो। तो इसलिए चिंतन के लिए हमने कभी मना नहीं किया, वो तो करना पड़ेगा, वो तो बेस है, परंतु तो सही चीज पर चिंतन हो जाए तो जीवन सफल हो जाए, और गलत चीज पर चिंतन हो जाए तो जीवन नाश हो जाए। आज हम गलत चीज पर चिंतन कर रहे हैं, पूरा लाइफ हम उन चीज पर चिंतन कर रहे हैं जो कि टेम्पररी है, जो कि टेम्पररी, क्योंकि चिंतन जो है ना प्रभु जी आसक्ति पैदा करता है। क्या पैदा करता है? आसक्ति। और गलत चीज से आसक्ति हो जाए तो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।